हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये करवा चौथ का मेकअप लुक। अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिएगा कि जिससे ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर प्राइमर लूँगी, उसे अपने पूरे फेस में अच्छे से लगा लूँगी। प्राइमर लगाने से हमारे फेस का जो मेकअप है वो बहुत देर तक स्टे करेगा। इसके बाद मैं यहाँ लॉरियल इन्फेरेबल 24 आवर्स फाउंडेशन लेकर के अपने पूरे फेस में अच्छे से लगा लूँगी। मेरा शेड है 140 गोल्डन बेज। इसे भी हमें अपने पूरे फेस और नेक में डॉट डॉट करके लगाना है। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको हाथ से लगा रही हूँ और देखिए कितना अच्छा फिनिश आया है। तो अब मैं यहाँ फाउंडेशन को सेट करने के लिए लॉरियल ट्रू मैच कॉम्पैक्ट लेकर के अपने पूरे फेस में अच्छे से सेट कर लूँगी। ध्यान रहे हमें अपने नेक और ईयर को नहीं छोड़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेस तैयार हो गया हमारा। मैं अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए मेबिलीन की आईब्रो पेंसिल लूँगी और अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। उसके बाद स्मजर से इसको अच्छे से स्मज कर लूँगी। अब मैं नायका का काजल लेकर के एकदम अच्छा पतला सा काजल लगाऊंगी। ज़्यादा मुझे बोल्ड काजल नहीं चाहिए है। अब मैं अपने आई शेडो वाले पैलेट से ये वाला कलर लेकर के अपनी आँख पे क्रीज लाइन पे प्लेस कर लूँगी और एक छोटे ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, स्मज कर। जो हमारा क्रीज एरिया होता है वो आईलिड के जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है। मैंने अभी तक अपने आईलिड पे कलर प्लेस नहीं किया क्योंकि मैं उसमें एक शिमर कलर प्लेस करूंगी। अब मैं यहाँ शिवाना का हाइलाइटर पैलेट से गोल्डन वाला शेड लेके अपनी आईलिड पे प्लेस कर लूंगी। सिर्फ मुझे अपनी आईलिड पे उसे प्लेस करना है, ऊपर नहीं करना है। अब प्लेन ब्रश लेकर के हमें उसे अच्छे से स्मज कर लेना है जिससे कि कोई हार्श लाइन ना रह जाए। फ्रेंड्स, यहाँ मैं मेबिलीन का आईलाइनर लगा रही हूँ। आपको जो भी आईलाइनर पसंद हो आप अपना फेवरेट आईलाइनर लगा सकते हैं। यहाँ नॉर्मल आईलाइनर लगा रही हूँ। देखिए मैं साइड से विंग बना रही हूँ। आपको जितना मोटा या पतला आईलाइनर पसंद है आप उस तरह का आईलाइनर लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा यहाँ आई मेकअप बिल्कुल तैयार है। अपने आई मेकअप को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ मेबिलीन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा लगा रही हूँ जिससे मेरी आँखें और बड़ी बड़ी और पॉपअप दिखाई देंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, आई मेकअप बिल्कुल कंप्लीट है। ब्लशर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबिलीन का चिकी ग्लो और इसको सर्कुलर मोशन में स्माइल करते हुए अपने पूरे चीक्स में अच्छे से लगा लेंगे। अब मैं हाइलाइटर के लिए शिवाना कलर शिमर ब्रिक का लाइट शेड लेकर के अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगी, जिसमें कि हाई चीक्स बोन, टिप ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, चिन और फोरहेड को अच्छे से हाईलाइट कर लूंगी। अब एक छोटे ब्रश की हेल्प से मैं वही शेड अपने ब्राउ बोन में लगाऊंगी जिससे कि मेरा आई मेकअप और भी ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। ब्रश की हेल्प से मैं आई मेकअप के नीचे भी वही कलर प्लेस कर लूंगी जो कि मैंने अपने आई मेकअप में ऊपर प्लेस किया था। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ हॉट 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 कलर बार का 01 शेड ले रही हूँ और अपने होठों पे लिपस्टिक को फिल कर रही हूँ क्योंकि बिना लिपस्टिक के हमारा मेकअप तो बिल्कुल अधूरा है। ये रेड कलर बिल्कुल परफेक्ट है, आप किसी भी शादी पार्टी में इसको लगा सकते हैं। मैं एक रेड बिंदी के साथ अपने पूरे मेकअप को कंप्लीट करूंगी क्योंकि बिना बिंदी के तो मेकअप अधूरा है। आप अपने हिसाब से बिंदी का साइज छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैं यहाँ लैक्मे का सिंदूर लगा रही हूँ और कुछ ज्वेलरी के साथ अपने मेकअप को कम्प्लीट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।